ज्ञात अज्ञात दिवंगतों की अस्थियों का शास्त्रोक्त विधि से देश की पवित्र नदियों में विसर्जन करना वास्तव में एक पुण्य कार्य है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप इस निस्वार्थ सेवा कार्य का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर होता है। अज्ञात दिवंगतों की आत्मिक शांति के लिए इस तरह के अनुष्ठान अन्य संगठनों के लिए भी प्रेरणा और ऊर्जा देने वाले साबित होने चाहिए। उक्त उद्गार संत जनों एवं शहर के गणमान्य नागरिकों ने इंदौर के राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या उद्यान पर श्रद्धा सुमन सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित अस्थि कलश पूजन समारोह में व्यक्त किए। 21 वर्ष पूर्व श्रद्धा सुमन सेवा समिति के माध्यम से निःशुल्क तर्पण का आयोजन प्रारंभ किया था। समिति अब तक 16,500 से अधिक अज्ञात लोगों की अस्थियों को देश की 52 पवित्र नदियों में विसर्जित कर चुकी है। आज आयोजन के प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत श्रद्धा सुमन सेवा समिति के संयोजक हरि अग्रवाल ने किया। महामंडलेश्वर संत दादू महाराज गौरकुंड राम द्वारा राम स्नेही संप्रदाय के संत अमृत राम जी महाराज के सानिध्य में इस अवसर पर आचार्य पंडित कपिल दुबे के निर्देशन में 150 से अधिक ज्ञात अज्ञात दिवंगतों के अस्थि कलश का पूजन कर यज्ञ हवन किया गया। समिति के संस्थापक अध्यक्ष मोहन लाल सोनी एवं संयोजक हरि अग्रवाल ने बताया कि अस्थि कलश को पूर्ण विधि विधान से आज नर्मदा जयंती के अवसर पर नर्मदा नदी में प्रवाहित किया जाएगा। आयोजन में कांग्रेस नेत्री अर्चना जायसवाल, जगमोहन वर्मा, पंडित पवन शर्मा, प्रेम स्वरूप खंडेलवाल, कैलाश चंद्र खंडेलवाल, निर्मल वर्मा, पुष्पा यादव, राजकुमारी मिश्रा एवं सरस्वती पेंढारकर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कि जब तक अस्थियों का विसर्जन पुण्य नदी में या पुण्य सरोवर में नहीं हो, तब तक जो मृत आत्मा है उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसी तारतम्य में 21 वर्ष पहले मोहनलाल सोनी, हरि अग्रवाल और उनके पूरी सभी पदाधिकारियों ने एक संकल्प लिया कि हम ऐसे सभी लोगों की अस्थियों का, जिनके बारे में मालूम तो है और ऐसे भी जिनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, किसी व्यस्ततावश लोग ले नहीं जाते, उन सब अस्थियों को लेकर शास्त्रोक्त विधि से जो पवित्र नदियाँ हैं, वो गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, नर्मदा है, वहाँ पर अपन विसर्जन करेंगे और उसका पूरी तरह से पालन करते हुए जैसे शास्त्र कहता है विद्वान ब्राह्मणों के सानिध्य में। तो 21 वर्षों से ये लगातार सतत रूप से ये ऐसा आयोजन कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि इस कलयुग के अंदर हम अपना तो ठीक है, पड़ोसी के बारे में कहाँ सोच पाते हैं, और यह ऐसा आयोजन करते हैं, अपना समय निकालते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं और निःशुल्क रूप से करते हैं, किसी से एक रुपया नहीं लेते। आज ही यहाँ पर 150 से अधिक अस्थियों का विसर्जन करने का यहाँ पर हमने कार्य किया है, इनका पूजन करा है। आज नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर शनिवार भी है, माघ मास भी चल रहा है, गुप्त नवरात्रि भी है, इन सब तिथियों के अंतर्गत बड़वाह खेड़ीघाट के अंदर जाकर नर्मदा नदी में इन सब अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। मैं अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ। शांति मिलना स्वाभाविक बात है, ये मान्य परंपरा है हमारी के मरने के बाद में जो क्रिया है उस क्रिया का संपादन होना जरूरी है। वही क्रिया के आधार पर यहाँ पर जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए कल्पना है। अगर हमारे माता पिता का भी हम यही करते हैं तो उससे जब उनको मोक्ष मिल सकता है तो ये अज्ञात लोगों को नहीं मिल सकता। इसलिए इनको तो निश्चित रूप में मोक्ष मिलना ही मिलना है, क्योंकि समाज के द्वारा किया गया कार्य जो होता है ना, हमेशा ज़्यादा फल देने वाला होता कार्य है। ऐसा कार्य हर कोई संस्थाएं नहीं कर पाती। मेरे ख्याल से पूरे मध्य प्रदेश में एक ही ऐसी संस्था है श्रद्धा सेवा सुमन समिति, जो श्राद्ध पक्ष में भी तर्पण का कार्य कराती है और आज ज्ञात अज्ञात लोगों की अस्थियों का विसर्जन नर्मदा में करने जा रही है। ये विगत कई वर्षों से संस्था काम कर रही है और मैं उन आत्माओं को आज भगवान के श्री चरणों में चाहती हूँ कि वो उनको आशीर्वाद प्रदान करें, अपने चरणों में जगह प्रदान करें, जिनकी आज आत्मा को शांति के लिए और विधि विधान से आज पूजन करके कार्य किया गया है और वो सभी अस्थियों को श्रद्धा सुमन सेवा समिति के द्वारा नर्मदा में प्रवाहित किया जाएगा। मैं सभी के लिए ईश्वर से कहती हूँ कि उनको श्री चरणों में अपने जगह दें। नमामि देवी नर्मदे, ये बहुत पवित्र दिन है और श्रद्धा सुमन सेवा समिति द्वारा विगत 20 वर्षों से 16,500 ऐसे लोगों की अस्थियाँ जो 20-20 साल से अज्ञात लावारिस पड़ी थी, जिनके धनाभाव के कारण से जो लोग अस्थियों को
नहीं ले जा सकते हैं, वैसी अस्थियाँ जो सालों से पड़ी हुई है, अज्ञात हैं, उन अस्थियों को हम इकट्ठा करते हैं, यहाँ पर विधि विधान से पूजन हवन शास्त्रोक्त विधि से करके और उसका हम देश की पवित्र नदियों में विसर्जन करते हैं। 16,500 अस्थियों का हम अभी तक विसर्जन कर चुके हैं। हमारे शास्त्रों में ये विधान है, पिछले 5,000 साल से भगवान रामचंद्र जी ने भी अपने पिता दशरथ जी की अस्थियों का नदी के अंदर विसर्जन किया था। ऐसा माना जाता है कि जब तक आदमी इन अस्थियों का विसर्जन पवित्र नदी और शास्त्रोक्त विधि से नहीं होता है, तब तक उनकी आत्माएं वायुमंडल में भटकती रहती है। तो ये पुनीत कार्य इंदौर में क्या पूरे देश में अपने आप में एक अनूठा आयोजन है, जो विगत 20 वर्षों से सतत श्रद्धा सुमन सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है। अच्छा काम करती है हमारी संता, 20 सालों से कर रही है। और लावारिस अस्थियों का विसर्जन जिनका कोई नहीं रहता है, एक ऐसी हमारी माताजी परिचित थी, उनकी 4 साल से अस्थियाँ इटावा में रखी हुई थी। मैंने कहा हमारी समिति ये कार्यक्रम बहुत अच्छा करवाती है, आप इसमें लेकर आ जाएं और बड़े अच्छे से कार्यक्रम होएगा। वो माताजी लेकर आई हैं और हमारी समिति ने बहुत अच्छे से इसका कार्यक्रम करवाया है।